राजस्थान में कांग्रेस ने भी सूची जारी की है तो वहीं भाजपा ने भी अपनी 83 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे झालरापाटन से ही लड़ने वाली है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट जरूर बदली गई है। उन्हें चूरू की बजाय तारानगर से टिकट दी गई है। वे पहले भी तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है। वे कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं उदयपुर से ताराचंद जैन को टिकट देकर एक नई सनसनी पैदा कर दी गई है, क्योंकि यहाँ आलाकमान ने बड़ा जबरदस्त खेल कर दिया है। जिस नाम की कहीं चर्चा भी नहीं थी, उन्हें टिकट देकर एक नई सुगबुगाहट जरूर छेड़ दी है। अन्य कौन कौन है लिस्ट में, चलिए आपको बताते हैं। भाजपा ने जो नाम दिए हैं लिस्ट में वो इस तरह से रहेंगे। रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा को टिकट दिया गया है। अनूपगढ़ से संतोष भावरी को दिया गया है। सांगरिया से गुरदीप सिंह शहपीणी को दिया गया है। पीलीबंगा से धर्मेंद्र मोची को दिया गया है। नोहर से अभिषेक मटोरिया है। बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास है। बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी है। लूनकरनसर से सुमित गुदारा है। नौखा से बिहारीलाल बिश्नोई है। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ है। चूरू से हरलाल सहारण है। रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि है। सुजानगढ़ से संतोष अहलावत है। धोद से गोवर्धन वर्मा है। नीम का थाना प्रेम सिंह बाजौर है। श्री माधोपुर से जाबर सिंह खर्रा है। वहीं चौमू से रामलाल शर्मा है। फुलेरा की बात करें तो निर्मल कुमावत अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं आमेर से सतीश पुनिया है। मालवीय नगर से कालीचरण सराफ है। सांगानेर से भजनलाल शर्मा है। बगरू से कैलाश चंद वर्मा है। चाकसू से राम अवतार बैरवा है। मुंडावर से मंजीत धर्मपाल है। थाना गाजी से हेम सिंह भड़ाना है। अलवर शहर से संजय शर्मा है। डीक से शैलेश सिंह है। धौलपुर से शिवचरण कुशवाहा है। खंडार से जितेंद्र गोठवाल है। मालपुरा से कन्हैया लाल चौधरी है। पुष्कर से सुरेश सिंह रावत है। अजमेर उत्तर की बात करें तो वासुदेव देवनानी यहां से भाग्य आजमाएंगे। अजमेर दक्षिण से अनिता बदेल है। नसीराबाद से राम स्वरूप लांबा है। ब्यावर से शंकर सिंह रावत है। जायल से मंजू बागमार है। नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्दा है। मेड़ता से लक्ष्मण राम मेघवाल है। मकराना से सुमिता भीचर है। बरबत्सर मानसिंह किनसरिया है। और नावा विजय सिंह चौधरी हैं। जैतारण से अविनाश गहलोत है। सोजत से श्रीमती शोभा चौहान हैं। वहीं पाली की बात करें तो ज्ञानचंद पारक हैं। बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं। सुमेरपुर से जोराराम कुमावत है। सूरसागर से देवेंद्र जोशी हैं। पोकरण से महंत प्रतापपुरी महाराज हैं। सिवाना से हमीर सिंह भायल हैं। चौटन से आदुराम मेघवाल है। आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित है। झालोर से जोगेश्वर गर्ग हैं। सिरोही से ओटाराम देवासी है। पिंडवाड़ा आबू से समाराम घरासिया है। रेवदर से जगसीराम कोहली हैं। गोगुंदा से प्रतापलाल गमिती पर फिर से भरोसा जताया गया है। जाडोल से बाबूलाल खराड़ी को टिकट दिया गया है। उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीना पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। उदयपुर शहर की अगर बात करें तो ताराचंद जैन को टिकट दिया गया है। सलूंबर में अमृतलाल मीना पर फिर से भरोसा जताया गया है। दरियावत से कन्हैयालाल मीना पर भरोसा जताया गया है। वहीं आसपुर से बात करें तो गोपीचंद मीना पर फिर से भरोसा जताया गया है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो राजवी यहां से लड़ेंगे। निम्बाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी होंगे। बड़ी सादरी से गौतम सिंह डक होंगे। प्रतापगढ़ से हेमंत मीना होंगे। कुंबलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौर होंगे। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी होंगे। नाथद्वारा से विश्वराज सिंह मेवाड़ एक नया चेहरा होंगे। आसिन से जब्बर सिंह सांखला होंगे। भीलवाड़ा से विठल शंकर अवस्थी होंगे। जहाजपुर की अगर बात करें तो गोपीचंद मीना होंगे। मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा होंगे। बूंदी से अशोक डोगरा होंगे। सांगो से हीरालाल नागर होंगे। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा होंगे। छाबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी होंगे। डग से कालूलाल मेघवाल होंगे। झालरापाटन से वसुंधरा राजे इस बार लड़ेंगी। खानपुर से नरेंद्र नागर होंगे और मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया होंगे।